नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी को पढ़ना है वह आकलन एवं मूल्यांकन पर बात करेंगे, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन पर, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दोस्त, हर बार आप सभी के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ध्यान देंगे, आप सब चाहे सीटेट का फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हों या सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हों, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे और हम सभी बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। प्रश्नों की श्रृंखलाओं के तहत, मतलब प्रश्नों की श्रृंखलाएँ होंगी, उसके अनुरूप हम सभी बातें करेंगे और समझेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्त, चलेंगे, पहला ध्यान देंगे, एक इन्फॉर्मेशन है, आप सभी हिंदी इंडिविजुअल के कंप्लीट बैच के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बात किया जाए वह आपका, आपको एक साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा यह क्लासेस, 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। दो नंबर आप सभी के सामने, अगर कोई दिक्कत हो तो इन नंबर पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इसे पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को उसके अनुरूप रूपांतरित करना, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, करा कि छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? जो प्रश्न है वह करा कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस एंड द होलिस्टिक इवेल्युएशन, मतलब कहीं ना कहीं समग्र मूल्यांकन की बात हो रहा है, कहीं ना कहीं जो आपका सतत और होलिस्टिक, मतलब कहीं ना कहीं सतत और समग्र मूल्यांकन का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आप जानते हैं भैया, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना नहीं करनी है, मतलब तुलना करना अपने आप में क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का हनन है और इस तरीके से आपका ए ऑप्शन नहीं हो सकता। जब तुलना शब्द आया गलत हो गया। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार क्या करना, रूपांतरित करना। बच्चे को समझिए कि बच्चा क्या समझना चाहता है, बच्चे को कितनी समझदारी है, बच्चा किस का जो माइंडसेट है, कितना उसके लेवल, कितना उसके मस्तिष्क का परिपक्वता मिली है, परिपक्व हुआ मानसिक रूप से, उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, उसकी समझ को आंकना, उसके अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को क्या करेंगे, रूपांतरित करेंगे। एकदम बात हमारी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां करा कि वर्गीकरण करना, तो आप जानते हैं किसी बच्चे का वर्गीकरण नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, समावेशी शिक्षा कानून होगा। और साथ ही साथ बात करेंगे जो बात किया जाए सतत और समग्र मूल्यांकन का, या रूप नहीं है कि भाई सफल असफल घोषित करना, या तो आपका गलत होगा। तो राइट आंसर वह होगा बी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का यह मतलब होता है कि बच्चे की क्षमताओं को आंकते हुए उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, शिक्षा शास्त्र को बदलेंगे, उसी हिसाब से क्या करेंगे, पर जो शिक्षा शास्त्र को रूपांतरित करने की कोशिश रहेगी। सेकंड नंबर प्रश्न कारक की कथन की बात करेंगे, करा कथन में करा शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों को पालन करना चाहिए। कारण में कह रहा है कि शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए, सही विकल्प चुनेंगे। कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है ए की। बी ऑप्शन में कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या करता ए की, नहीं करता ए की। कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए, क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन है? प्रश्न संख्या आपके सामने सेकंड नंबर है, करा शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों को अपनाना चाहिए। तो आप जानते हैं शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम को अपनाना नहीं है, लचीलापन पाठ्यक्रम को अपनाना है, लचीले पाठ्यक्रम को, लचीले होता तो सही होता। इसलिए दोस्त आपका कथन यह गलत हो जाएगा। अब काल में कह रहा है कि शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए। भाई जो बच्चों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं तो होती हैं, उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको नजरअंदाज नहीं करने की जरूरत है, मतलब नजरअंदाज नहीं करना आपको। इसका मतलब कहीं ना कहीं कारण क्या है, कहीं ना कहीं कारण क्या है, यह भी गलत है और कथन भी गलत है। राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोनों सेंटेंस गलत हैं, इसीलिए डी ऑप्शन। थर्ड नंबर के लिए करा सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना,
करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। करा स्व आकलन, सहकर्मी मूल्यांकन, करा गुणात्मक प्रतिक्रिया, करा मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। करा कि फर्स्ट में करा फर्स्ट, ए में करा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, करा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। करा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा? फोर्थ थर्ड नंबर के लिए बताएंगे कि इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए जी, इसके लिए बताएंगे क्या इसको आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो जाना चाहिए जी। तो दोस्त आप जानते हैं क्या इसमें से आपको लगता है कि होना चाहिए। करा व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड टू इंश्योर एंड द फोकस इज द असेसमेंट फॉर द लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो कहता है कि भैया कहीं ना कहीं जो सीखने की बजाय सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर जोर देना, इसका मतलब सीखने के आकलन कब होता है? सीखने का आकलन कब होता है? बाद में होता है। सीखने के लिए आकलन कब होता है? तो या पूर्व में होता है, पहले होता है। तो कहीं ना कहीं आपके कह रहा है कि पूर्व में इसे चेक कर लेना चाहिए। स्व मूल्यांकन एकदम सही है, सहकर्मी मूल्यांकन भी सही है, गुणात्मक प्रतिक्रिया भी सही है, लेकिन इसमें डी में क्या कर रहा है? करड्डी में करा है कहीं ना कहीं मात्रात्मक गुणों मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। तुलना अपने आप में क्या है? गलत है। और इसीलिए क्या होगा? वह सिर्फ आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राइट होगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड किस में मिल रहा है? वह मिल रहा ऑप्शन संख्या बी में, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर फोर्थ नंबर लिए कथन में करा है, करा कि एक कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। करा शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए, एकदम सही है। किसी बच्चे का मूल्यांकन इवेल्युएशन कर रहे हैं तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? शिक्षकों को विविध विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब कथन पूरी तरीके से राइट है। अब कारण में करा है कि एक कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब सही है, सिर्फ मूल्यांकन एक तरीके से नहीं हो सकता, विविध तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। कथन सो सही है, लेकिन आप कारण में कह रहा है कि जो बच्चों की सफलता है असफलता पेपर पेंसिल मतलब कहीं ना कहीं कॉपी में लिखित पेपर के आधार पर नहीं चेक किया जा सकता पूर्ण रूप से, उसके मौखिक भी टेस्ट करें। जैसे आप देखते हैं कहीं ना कहीं आप देखते हैं आईएएस और पीसीएस की जब बात किया जाता है तो आपका एक बार लिखित पेपर होता है, पहले तो आपका होगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर लिखित पेपर होता है, तो इसके बाद आपका फिर इंटरव्यू होता है। कहीं ना कहीं पूरे चीजों को आकलित किया जाता है कि बच्चा क्या पूरी तरीके से परफेक्ट है, परिपक्वता उसमें है, उस लेवल का स्टैंडर्ड है, उसमें उस चीजों को सही कर सकता है जिस लेवल के लिए वो चुना जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मूल्यांकन जो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन को पूरी तरीके से क्या कर रहा है, संतुष्ट भी कर रहा है। इसीलिए जो आपका राइट आंसर होगा दोस्त वह क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इस प्रश्न को देखिए और इसी तरीके से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलती है दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे आगे फिफ्थ नंबर के लिए। करा गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? करा बच्चे के बौद्धिक स्तर को, करा समकक्षियों की तुलना में छात्रों का संबंधित पद को, करा बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को, कि बच्चा समान नियमित विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं है। करा किसको या बताता है कौन सा गत्यात्मक मूल्यांकन? व्हाट डज डायनेमिक असेसमेंट हेल्प टू अंडरस्टैंड, क्या समझने में मदद करता है गत्यात्मक मूल्यांकन? तो करा बच्चे के बौद्धिक स्तर को, नहीं, बच्चे के बौद्धिक स्तर को समझने के लिए गत्यात्मक मूल्यांकन या इस पर जोर उद्देश्य नहीं होता, मतलब इसके लिए मदद नहीं करता है। समकक्षियों की तुलना में छात्रों को संबंधित पद, तो ऐसा भी तुलना अपने आप में क्या है? गलत है, इसके लिए भी नहीं किया जाता। सी ऑप्शन में किया जाता है, बच्चे की विशिष्ट जो अधिगम आवश्यकताएं हैं उसकी पहचान के लिए गत्यात्मक क्या होता है मूल्यांकन किया जाता है। बच्चे में क्या विशिष्ट गुण है, बच्चे में क्या स्पेसिफिक है लर्निंग है, मतलब स्पेसिफिक जो लर्निंग की आवश्यकता नेसेसरी है उसके लिए जानने की कोशिश की जाती है। देखिए स्पेशल लर्निंग नीडेड ऑफ द चाइल्ड, मतलब स्पेशल कने विशेष अधिगम की आवश्यकता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है गत्यात्मक मूल्यांकन। और राइट आंसर क्या होगा? वह हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर सिक्स नंबर के लिए, करा परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को
क्या करना चाहिए, कर विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए, कर केवल व्यवसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, कर दंड देना चाहिए, कर उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। जी सिक्स नंबर के लिए बताएंगे कि आपको लगता है कि आंसर हो जाना चाहिए। सिक्स नंबर प्रश्न संख्या छह की बात कर लेते हैं, करा कि परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। स्टूडेंट हु गेट लो कर मार्क इन द एग्जाम, मतलब कि कम अंक पाने वाले को, लो मार्क पाने वाले को क्या, जो नंबर कम पा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, कर विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए। भाई विशिष्ट विद्यालय में क्या करना है, विशिष्ट विद्यालय में भेजने पे क्या होगा, इसका सिर्फ भाई कम अंक पा रहा है इसका मतलब नहीं है विशिष्ट विद्यालय में उसे भेजेंगे, उसे सभी बच्चों के साथ ही बैठाएंगे, बस उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या उसको जरूरत है। तो इसका मतलब विशिष्ट विद्यालय नहीं भेजना है या ये ऑप्शन नहीं होगा। करा केवल व्यवसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए, भाई केवल अब कम अंक पाया सिर्फ व्यवसायिक शिक्षा के लिए उसे मार्गदर्शन करना चाहिए, नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। दंड देना चाहिए, दंड अपने आप में क्या है, दंड अपने आप में निगेटिव है, और करा उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। भाई उसे क्या जरूरत है, कहाँ पर समझ नहीं पा रहा है, उसकी बातों को समझ करके हम क्या करेंगे, बातों को समझ करके उसी हिसाब से सहायता देने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए दोस्त आपका क्या राइट होगा, वह आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर सेवंथ नंबर की चर्चा करें, करा कथन में बात किया जा रहा है, करा शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कथन पूरी तरीके से राइट है। तर्क में करा है कोई भी मूल्यांकन तकनीक बच्चे के प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, सही विकल्प चुनेंगे। करा ए में करा है ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता है ए की। बी में करा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। इसके लिए बताएंगे दोस्त, आप जानते हैं शिक्षकों को बात किया जाए, शिक्षकों को बच्चे का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग एकदम करना चाहिए। जब आकलन कई तरीके से करेंगे तो पूरी तरीके से बच्चे के बारे में आप समझ पाएंगे, बच्चे को क्या जरूरत है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, सिखाना है, रुचियों को आप जानते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं कथन पूरी तरीके से आपका राइट है। कथन क्या है, पूरी तरीके से राइट है। अब तर्क की जब चर्चा करते हैं आप, तर्क में कह रहा कोई भी मूल्यांकन ऐसा नहीं है, कह रहा कोई भी मूल्यांकन ऐसा नहीं बना है जो बच्चे की पूर्णता क्या हो, एकदम सक्षम बता पाए कि भाई बच्चे में कितना क्या है। तो पूर्णता पूरी तरीके से या ऐसी कोई तकनीक बनाई ही नहीं गई है कि बच्चे की पूरे प्रगति और विकास के बारे में सही तरीके से जो एकदम सक्षम हो कि वो पूरी तरीके से वो चीज़ें बता पाए, तो ऐसी कोई तकनीक अभी तक बनी नहीं है। इसका मतलब है तर्क भी पूरी तरीके से क्या होगा, तर्क आपका कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट करा है, और इसीलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये समझ पा रहे, कोई भी मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति व विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, मतलब पूरी तरीके से कोई ऐसा मूल्यांकन ही नहीं बना ही नहीं है जो पूरी तरीके से बच्चों के बारे में बता पाए। इसलिए आपका कथन तर्क दोनों सही है और आपका ए ऑप्शन राइट होगा। आठवां प्रश्न है, करा की ध्यान देंगे, कर निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को सही नहीं दर्शाती है, करा की कौन सी सही नहीं दर्शाती, ऐसा प्रश्न है। करा छात्र क्या करते हैं सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं और कैसे पहुँचे हैं। करा कि शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देते हैं, करा प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, कर रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए आठ नंबर प्रश्न को जब आप देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से पता चल पा रहा होगा कि ध्यान दें भाई, कर आकलन को सही तरीके से नहीं दर्शाती है। तो कहीं ना कहीं जब आप तुलना करेंगे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुलना अपने आप में निगेटिव है, और इसीलिए आपका सी ऑप्शन गलत होगा, और जब गलत ही होगा तो वही राइट होगा क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा था। ए ऑप्शन में कह रहे हैं छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं, एकदम हर बच्चा सक्रिय रूप से सोचता है कि वे कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं और कैसे पहुँचेंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं बच्चे सक्रिय रूप से सोचते एकदम है। करा के ध्यान देंगे, बी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते, एकदम सही है, आपका राइट आंसर होगा।
लेकिन डी भी आपका राइट है, क्योंकि कई तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है, साकर्मी और स्वमूल्यांकन, साकर्मी मूल्यांकन दोनों के लिए जरूरी है, मतलब दोनों के हिसाब से मूल्यांकन करेंगे तो परफेक्ट मूल्यांकन हो पाएगा। तो इसलिए दोस्त आपका लगातार तुलना की बात हो रही है, तो तुलना अपने आप में निगेटिव है, इसीलिए गलत आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो जो आपसे पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट रिफ्लेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग, वो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो आपका क्या होगा, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, यही आपका गलत होगा दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, 9 नंबर के लिए करा बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। करा कि मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। क्रम मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। क्रम मूल्यांकन को शिक्षक को अपने शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देना चाहिए। क्रम मूल्यांकन को संज्ञानात्मक शारीरिक मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्रम 9th नंबर के लिए कौन सा इसमें से गलत है, वही हमें गलत वाला ढूंढना है। तो कौन सा इसमें से गलत है, आप बताएंगे क्या इसमें से गलत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से ऑप्शन हो सकता है गलत, ध्यान देंगे इसमें से आपको क्या लगता है कि गलत होना चाहिए। कर मूल्यांकन का जो प्रयोग है वह सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए, एकदम सही है। मूल्यांकन का जो प्रयोग करना चाहिए वह किसके लिए करना चाहिए, वह प्रयोग करना चाहिए कि सीखने के सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए। कि मूल्यांकन में क्या होगा, जब मूल्यांकन करते हैं तो आपको पता चल पाता है कि बच्चे में क्या कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। तथा इसमें विविध तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब जब मूल्यांकन करें तो कई तरीकों से इस्तेमाल करके आप मूल्यांकन करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि हमको निगेटिव ढूंढना है। अब निगेटिव कौन सा होगा, इस पर हमको चर्चा करनी है। क्रम मूल्यांकन हमेशा क्या होगा, क्रम मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। भाई क्या मूल्यांकन जो बात करें शिक्षण अधिगम का एक भाग ही होता है, इसलिए कह रहा कि अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए मूल्यांकन। तो आप जानते हैं जो मूल्यांकन है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक क्या है, अभिन्न अंग है, मतलब आप अलग नहीं कर सकते हो, उससे जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या कह रहा है कि अलग गतिविधि है, इसलिए दोस्त आपका यही निगेटिव है। और निगेटिव हमारा पूछ रहा था निगेटिव कौन सा होगा, तो बी ऑप्शन राइट होगा। मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देने चाहिए, एकदम सही है। जिसे मूल्यांकन से क्या होता है कि शिक्षक को पता चल पाता है कि बच्चे को और कितना बेहतर दिया जाए, इसका मतलब सी भी सही है और आपका डी भी सही है, लेकिन आपका बी ऑप्शन गलत था और बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा। 10 नंबर की चर्चा करते हैं, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। करा शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। करा सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें। करा प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें। तो आपको क्या लगता है कि टू इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट फॉर लर्निंग ए टीचर शुड, मतलब टीचर को क्या करना चाहिए, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन। सीखने के आकलन की बात करें तो मैंने आपको बताया था बाद में होता है सिखाने के बाद, और सीखने के लिए आकलन कब होता है, पहले होता है, मतलब सिखाए नहीं उसके पहले आकलन करते हैं। तो आपका इसमें से क्या आपको लगता है कि राइट आंसर होना चाहिए। तो जानते हैं दोस्त शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान दें। करा कि कौन शिक्षार्थियों को केवल संज्ञान क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें, कौन सा आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर आपका हो रहा है। प्रश्न बहुत अच्छा है और इसके लिए बताएंगे कि आपको लगता है कि राइट आंसर होगा, प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे। करा कि दोस्त आप जानते हैं शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक नहीं, केवल हम संज्ञानात्मक क्षमता को नहीं आंकेंगे, उसके साथ साथ भावात्मक मनोगत्यात्मक तीनों पक्ष को आकलित किया जाता है और तब जाके बच्चे का समग्र मूल्यांकन हो पाता है। तो इसमें क्या करा, केवल संज्ञानात्मक, केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं को, केवल जो
कॉग्निटिव एबिलिटीज है उसकी बात करेंगे, नहीं इसके लिए नहीं करेंगे और राइट आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत होगा। करा शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया के दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करना चाहिए, एकदम शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया हो रही है उसको दैनिक रूप से हम क्या करें मूल्यांकन को शामिल करेंगे, तो जो कमियां आती जाएंगी उसको हम सुधारते जाएंगे, जिस बच्चे जिससे अच्छे से बच्चा सुधार होता जाएगा, एकदम राइट आंसर क्या होगा वह बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब अगर सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण करें तो भाई निर्देश देने से क्या होगा, निर्देश आपको देना नहीं क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, स्पर्धा को बढ़ावा देंगे नहीं क्योंकि कंपटीशन आपको बच्चा के बीच ईर्ष्या पैदा करेगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्त आरओ आरओ के कंप्लीट रिवाइज के साथ आपसे भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत हो या आप सभी के सामने दो नंबर दिया गया है इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे 11 नंबर की चर्चा करते हैं, करके एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन का मतलब क्या है, एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन का क्या मतलब है। करा कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है, को सीखने का प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। असेसमेंट इन दी इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम मतलब बाल केंद्रित शिक्षा कक्ष में मूल्यांकन का क्या मतलब है, तो मैंने आपको बताया था सिर्फ परीक्षाओं तक ही मूल्यांकन सीमित नहीं है। करा केवल हम सिर्फ लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया नहीं जाता है उसका मूल्यांकन का मतलब नहीं होता, सिर्फ हम टेस्ट लिखित गोला बनाने के लिए कर दें चीज़ें हो गया तो पास फेल तो फेल, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। मूल्यांकन तो जरूरी है क्योंकि शिक्षण का एक पार्ट है, एक भाग है, उसका एक अभिन्न अंग है और सीखने की प्रक्रिया का एक क्या बोला जाता है अभिन्न अंग माना जाता है, इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो मूल्यांकन आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्त वह डी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रश्न संख्या 12 की चर्चा करते हैं, क्रम मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। कर अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना, अधिगमकर्ताओं में क्या करना असफलता का क्या करना का डर पैदा करना। भाई मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चे को असफलता के प्रति डर पैदा कर दें कि भाई देखो बेटा अगर तुम फेल हो गए तो फिर भविष्य चौपट हो गए, इसके लिए नहीं करते हैं हम, इसके लिए करेंगे तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ, बच्चा तो यही सोचता रहेगा कि हम फेल हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, उसके बारे में नहीं। आप निश्चिंत होकर के स्वतंत्र माइंड से फ्रीडम एक फ्री माइंड से आप पढ़ेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ेंगे तो आपका दिमाग अच्छे तरीके से काम करेगा, तो प्रेशर में करेंगे चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए आपका दोस्त ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, भाई प्रदर्शन सही तरीके से नहीं कर पाओगे तो शर्मिंदा करोगे, चिढ़ाओगे कि भाई तुम्हारे लिए तुम्हें ये क्षमता नहीं है, ऐसा भी नहीं किया जाता है, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। अगर अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन के लिए एक दूसरे से तुलना करना, भाई अधिगमकर्ताओं की बात किया जो लर्नर हैं एक दूसरे से तुलना करेंगे तो दिक्कत होगा क्योंकि वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, तुलना अपने आप में एकदम गलत है, इसलिए तुलना तो हो नहीं सकता है, सी ऑप्शन भी गलत है। अगर अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया को मदद करने के लिए तरीके खोजना एकदम सही है, मूल्यांकन का उद्देश्य है कहीं ना कहीं वह जो सीखने की बात करें कहीं ना तरीके को खोजने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इसीलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 13 नंबर की चर्चा कर बच्चों के मूल्यांकन इवेल्युएशन ऑफ चिल्ड्रन करा कि केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मूल्यांकन के सबूत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए का उद्देश्य बच्चों की तुलना करके उन्हें तदनुसार नामांकित करना चाहिए का निष्पक्ष पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए का गतिक होना चाहिए उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चे में मौजूद और सीखने की वह कौशल जिनकी उसमें क्षमता है। तो दोस्त 13 नंबर प्रश्न संख्या 13 की बात कर लेते हैं कि आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं और सभी प्रश्नों को आप पढ़ते हुए बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए। करा केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मूल्यांकन के सबूत, भाई केवल उनको सिर्फ सबूत देने के लिए मूल्यांकन होता है, नहीं होता है। करा कि का उद्देश्य तुलना करके, तो तुलना करना अपने आप में निगेटिव है। करा कि निष्पक्ष केवल करा पेपर निष्पक्ष क्या करा निष्पक्ष पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए। मूल्यांकन भाई सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है, सिर्फ एक साल में मूल्यांकन की बात नहीं करता है। करा गतिक होना चाहिए मूल्यांकन, एकदम गतिक होनी चाहिए और उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चों में मौजूद है। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि बच्चे में कौन सा कौशल
कितना डेवलप्ड हुआ, कितना विकास हुआ, इसके लिए किया जाता है। और सीखने के वह कौशल जिनमें वह जिसमें वह उनमें क्षमता है, मतलब बच्चा क्या ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्या उसमें विशिष्टता है, इसकी पहचान करने के लिए मूल्यांकन की जाती है। और इसीलिए दोस्त आपका क्या होगा, वह डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 14 नंबर की चर्चा करेंगे। बच्चों को सीखने का आकलन, बच्चों के सीखने के आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। करेक्ट, क्लास कक्षा में दी गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो, आत्म आकलन। करा कि सेकेंड और थर्ड, करा सेकेंड थर्ड और फोर्थ, करा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, करा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। क्या आपको लगता है व्हाट मेथड शुड ए टीचर यूज टू एक्सेस चिल्ड्रन लर्निंग, जो चिल्ड्रन हैं उनकी जो लर्निंग पावर है, तो आकलन करने के लिए शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। करा कि इंट्रैक्शन डन इज क्लास, मतलब अंतःक्रिया, क्लास की जो अंतःक्रिया है, प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो हो, सेल्फ असेसमेंट है। तो आपका क्या इसमें से राइट आंसर होगा, 14 नंबर के लिए बताएंगे क्या। अच्छा, प्रश्न संख्या बहुत, प्रश्न की जो श्रृंखलाएँ हैं बहुत बेहतरीन हैं, और इसके लिए बताएंगे कि आपको लगता है कि होना चाहिए भाई जो मेथड है, मेथड क्या होनी चाहिए टीचर को जो इस्तेमाल करने चाहिए, मतलब आकलन के लिए, सीखने के आकलन के लिए। वह तो आप जानते हैं, क्लासरूम के जो क्लासरूम में की गई अंतःक्रिया भी उसमें ज़रूरी है, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट भी क्या है, ज़रूरी है। तो सब जानते हैं परियोजना, प्रोजेक्ट भी है। पोर्टफोलियो से क्या होता है, बच्चे के बारे में बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है, बच्चे में कितना सुधार हो रहा है। साथ ही साथ जो सेल्फ असेसमेंट है, जो बच्चे का स्वयं आकलन है, वह भी जरूरी है। इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो राइट आंसर क्या होगा, बस सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर 15 प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। करा कि मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। करा सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के पहले, दौरान व बाद में होता है। सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होता, मूल्यांकन पर केंद्रित होना चाहिए। क्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिक होनी चाहिए। क्रम मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आपसे जो पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पॉइंट पूछी जा रही, मतलब कहीं ना कहीं जो करेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, कौन सही नहीं है उसको आपको ढूंढना है, मतलब कौन से मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन गलत होगा। तो इसका मतलब कहें, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इवेल्युएशन इज नॉट करेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं कौन सा इसमें से गलत है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा आपको लगता है कि गलत होगा। सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के पहले, दौरान और बाद होना चाहिए। तो आपको मैंने बताया, सीखने के लिए आकलन होना चाहिए, सीखने के दौरान आकलन, मतलब तीनों को जरूरी है। इसका मतलब है आपको गलत नहीं है, क्योंकि सही आपको गलत ढूंढना था, गलत कौन सा उसको टिक करना है। तो यह तो कथन पूरी तरीके से राइट है, इसका मतलब उत्तम नहीं होगा हमारा। बी में कह रहा है कि कहीं ना कहीं हमें जो मूल्यांकन करें वह रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। क्योंकि जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वह कहती है बच्चों का जो मूल्यांकन हो वह रचनात्मक मूल्यांकन की बात करती है। कहीं ना कहीं इसका मतलब आपका बी ऑप्शन भी राइट है। अब कह रहा है मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिक होनी चाहिए, या भी आप जानते हैं जो मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, गतिक होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन शुड भी क्या डायनेमिक, एकदम गतिक होनी चाहिए, सही है। और साथ ही साथ ध्यान देंगे तो आप जानते हैं मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों की इस्तेमाल नहीं, क्या ध्यान देना चाहिए, लचीले उपकरणों के उपयोग पर ध्यान देता तो बात हमारी बनती, इसलिए यह सेंटेंस यहीं पर गलत हो गया और गलत ही हमसे पूछ रहा था। तो गलत ऑप्शन है डी, और डी ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे 16 नंबर की बात करते हैं। कर आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। कर विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, करा प्रत्यास्मरण आधारित व श्रेष्ठ प्रकार के परीक्षण, करा आकलन के योगात्मक तरीके परीक्षा के लिए सीखना। तो आपको क्या इसमें से राइट होगा, व्हाट डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोस्पेस इन टर्म्स
ऑफ असेसमेंट। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो जो सीखने की बात करें, जो एनईपी बात करती है आकलन के पक्ष में, परीक्षा के लिए सीखने की पर जोर नहीं देती है, आकलन की योगात्मक तरीके नहीं रचनात्मक तरीके पर जोर देती है, यह भी गलत होगा। प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की बात नहीं करती है, यह भी गलत होगा। जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, क्या होगा? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल के परीक्षण की बात करती है। करा कि टेस्टिंग हायर ऑर्डर स्किल लाइक एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग इसकी बात करती है, तो दोस्त आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 17 नंबर के लिए करें, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। कर अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है इसका निश्चित्रण करना चाहिए। कर दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता का प्रदर्शन का स्पष्टीकरण। कर मानक वर्ग में बच्चे की लेवलिंग करना। कर अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसकी वर्णन करना। तो दोस्त आपका करा कि व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ इवेल्युएशन, मतलब कि जो फोकस, जो मूल्यांकन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। तो आप जानते हैं अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका नहीं, अधिगमकर्ता क्या कर सकता इसकी मूल्यांकन है। भाई हम क्या कर सकते हैं इसकी बात करेंगे, क्या हम नहीं कर सकते? हम तो बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं इसकी मूल्यांकन होगी ना, कि हम ऐसा नहीं होगा क्या हम नहीं कर सकते उसका मूल्यांकन होगा। जब हम कर ही नहीं सकते उसका क्या मूल्यांकन होगा, जब जो हम कर पाएंगे उसका मूल्यांकन होगा ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब बी ऑप्शन में करा कि तुलना की बात हो रही है, तो आप जानते हैं तुलना अपने आप में क्या है, गलत है, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नताएं हैं अपने आप, जैसे तुलना निगेटिव हो गया। करा मानक वर्ग, तो मानक वर्ग कोई की मानक कोई स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, गलत, एकदम सही। क्या डी ऑप्शन में करा कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका चित्रण करना, मतलब क्या कर सकता है और कैसे सीख रहा है इसकी मूल्यांकन करेंगे, ना कि क्या नहीं कर सकता इसकी मूल्यांकन करेंगे। इसीलिए आपका दोस्त डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 18 नंबर की चर्चा करें कि आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है, मतलब आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो। आकलन के अलग अलग तरीके पर आधारित हो। तो क्या इसमें आपको लगता है कि होना चाहिए? 18 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि हो जाना चाहिए। जी, प्रश्न संख्या 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे, यू आर ए टीचर हु बिलीव्स दैट चिल्ड्रेन लर्न ऑफ डिफरेंट स्पीड्स एंड डिफरेंट वे, यू विल प्लान ए असेसमेंट इन योर क्लासरूम दैट। तो करा कि आप एक अध्यापक हैं, ठीक है, हम एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान दें, बच्चे में वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, तो सीधा सा मतलब है बच्चे अलग अलग गति से अलग अलग तरीके से सीखने वाले हैं, एकदम बात राइट है। अब यहाँ बात करते हैं, आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे, मतलब ऐसी आकलन योजना करेंगे जो कैसी हो, सभी विद्यार्थी के लिए समान हो। भाई सभी विद्यार्थी के लिए समान कैसे होगी जब बच्चे में क्षमता अलग अलग है? तो कहीं ना कहीं यह अपने आप में समान वाला गलत हो जाएगा। खराब वस्तुनिष्ठ, सिर्फ केवल वस्तुनिष्ठ तरीकों से शामिल नहीं करेंगे, कई तरीके से मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, भाई जब तरीके से सीखने से संबंधित नहीं होगी तो हम क्यों अपनाएंगे आकलन को? तो इसका मतलब है संबंधित होगा तो सही है ना। तो अगर आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, एकदम सही है, आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 19 नंबर की बात करेंगे, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। समग्र मूल्यांकन, ध्यान दें दोस्त, क्रस समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्रस प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना। क्रस केवल बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियों पर विचार करना। क्रस विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना। क्रस सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना। तो 19 नंबर के लिए क्या राइट होगा? जी बताएंगे, 19 नंबर के लिए आपको क्या लगता है कि राइट हो जाना चाहिए। कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरऑल इवेल्युएशन द टीचर शुड
मतलब करें समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। करें प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना। तो आप जानते हैं सिर्फ प्रश्नोत्तरी के आधार पर हम सही मूल्यांकन नहीं हो सकती है, इसलिए गलत होगा। केवल बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों पर विचार करना, तो केवल त्रुटियों पर विचार करना, सिर्फ ऐसे मूल्यांकन, त्रुटि को दूर भी करना, सिर्फ त्रुटियां खोजनी नहीं है। करा विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना, करा कि इसमें तो आपका इसमें से क्या राइट होगा, तो विद्यार्थी की जो सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया है उस पर विचार करना एकदम सही है। बच्चा क्या सीखा है और क्या कर सकता है, मतलब बच्चे में क्या दिक्कत हुई, क्या त्रुटियां की, उसको हम सुधार करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको सुधार करने की कोशिश रहेगी, और सीखने के से जो प्राप्त उत्पाद है और प्रक्रिया पर हम विचार करने की कोशिश रहेगी। तो समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना है, वह करना है विद्यार्थी के सीखने के प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर हमें ध्यान देना है, विचार करना है। यहाँ पर मानकीकृत परीक्षण है, तो अपने आप में मानकीकृत परीक्षण अपने आप में गलत है, और इस लचीलापन परीक्षण होता तो बात बनती, इसीलिए दोस्त 19 नंबर के जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 20 नंबर की चर्चा। करा कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता, कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा। करा अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल करना, स्व मूल्यांकन और समकक्षी मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, करा विद्यार्थियों की पोर्टफोलियो को तैयार करना। तो कह रहा कि इसमें से क्या राइट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन मेथड्स वुड नॉट बी यूज इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम। तो कह रहा एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। करा अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल तो या इस्तेमाल नहीं होता, मतलब कौन सा, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें से आपको निगेटिव ढूंढना है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं, हमें निगेटिव ढूंढना है। निगेटिव हमसे कराए कौन सी विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत ढूंढना है। तो अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल होता है या तो पॉजिटिव है। स्व मूल्यांकन और समकक्षी मूल्यांकन जरूरी है, इससे बहुत कुछ आप सीखते हैं, यह भी क्या पॉजिटिव है, लेकिन केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय या तो गलत हो जाएगा। लचीले मूल्यांकन होता तो सही होता, इसीलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा जो गलत है वह सी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन इसीलिए राइट है। दोस्त आगे बात करते हैं, आप सभी इन पुस्तकों को परचेज कर सकते हैं, अपनी हिंदी की पुस्तक है, समान अध्ययन की पुस्तक है, आरओ के लिए है, इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। दोस्त चलेंगे 21 नंबर के लिए, प्रश्न संख्या 21 की चर्चा करते हैं। क्रस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है, क्या आपको लगता है कि क्या है जो सतत का मीन क्या है, मीन्स क्या है, अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, जो सतत जो कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन है उसमें क्या है, जो आपका कंटिन्यूअस इवेल्युएशन उसमें जो सतत का अर्थ क्या होगा। अध्यापक के द्वारा विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उसकी सहायता करना, अंकों ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना, करा निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, करा समय समय पर बच्चों की स्मरण और प्रत्याहन की योग्यता का मापन करना। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा 21 नंबर के लिए, जी 21 नंबर के लिए बताएंगे आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर बन जाना चाहिए, जी बेहतरीन प्रश्न है और बताएंगे दोस्त। करा सतत का अर्थ क्या होता है, ध्यान देंगे तो कहता है कि अध्यापन के दौरान, मतलब पढ़ाते समय अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों को साथ साथ मूल्यांकन करना, उनकी सहायता करना। सतत का मतलब जानते क्या होता है, जब बच्चों को हम पढ़ा रहे हों, जब बच्चे को हम सिखा रहे हों, जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए चलिए ठीक है अभी तो आपको जो पढ़ा रहे हैं जो आपकी कमी है, जैसे ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, ऑनलाइन क्लास में हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को सिखाते हैं, जो बच्चे के कमेंट आते हैं, सर हमको समझ नहीं आ रहा है फिर से रिपीट कर दीजिए, उस तरीके से क्या है सतत एवं सतत मूल्यांकन का अर्थ है क्या है कि आपकी कमियों को जो आपको पढ़ाया गया आप नहीं समझ पा रहे फिर से पूछ रहे हैं, तो उसको कमियों को दूर करते चलें। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही बात हो रही है, सहायता करना राइट होगा। तो अंकों ग्रेड से इससे कोई मतलब नहीं है, तुलना अपने आप में क्या गलत है, और यहाँ पर सिर्फ पेपर पेंसिल की बात हो रही है या भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ स्मरण की बात हो रही है तो यह भी गलत हो जाएगा। तो दोस्त आपका ए ऑप्शन राइट होगा, जी 22 नंबर के लिए। कर निर्माणात्मक
आकलन का प्रयोग मुख्यतः क्या होता है, जो फॉर्मेटिव, जो फॉर्मेटिव निर्णयात्मक को क्या बोलते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन भी बोला जाता है, और रचनात्मक मूल्यांकन को एनईपी क्या देता है, सपोर्ट करता है। मतलब कहता है कि जो एनईपी कहती है बात कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वह कहता है कि भाई साहब रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन पर, क्लस शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है, क्लस शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है, कर विद्यार्थियों में परीक्षा देने की बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है, कर अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। तो दोस्त आप जानते हैं उसका मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने तथा विद्यार्थियों के सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि के लिए किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट होगा, एकदम बहुत अच्छा प्रश्न है, 22 नंबर के लिए बताएंगे कि आपको लगता है कि राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि सिर्फ परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए मूल्यांकन नहीं होता, कि रचनात्मक मूल्यांकन गलत होगा। रचनात्मक मूल्यांकन से बहुत चीज़ें पता चलती हैं कि बच्चे में कितना विकास हो रहा है, कितना आप सीख रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, उससे पूरा बच्चे का होलिस्टिक इवेल्युएशन, एक तरीके से बच्चे का जो कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन है, जो व्यापक मूल्यांकन है, वह पूरा ले लेता है निर्णयात्मक मूल्यांकन में। अब कह रहा है शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने, एकदम सही है कि बच्चे को कैसे हम सिखाएं, बेहतर योजना बनाए जिससे, और साथ ही साथ विद्यार्थियों को सहयोग कैसे करें, कैसे हेल्प करें और अच्छे से पढ़ाने के लिए, करें कि गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। मतलब गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि मतलब सिर्फ मूल्यांकन के हिसाब से नहीं, उसको फीडबैक देने के लिए, ऐसे के लिए इसके लिए किया जाता है, क्या जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है। अब इसके लिए बात करें, अगर परीक्षा देने के लिए बेहतर, तो परीक्षा अपने आप में क्या है, निगेटिव है, या तो गलत हो जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है कि अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को उपयुक्त रूप से पहचान करने, तो पहचान नहीं करना है, अगर पहचान करने के लिए कभी कुछ नहीं किया जाता, बच्चों को सपोर्ट कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए सिखाइए। तो इसलिए दोस्त आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 23 नंबर के लिए कह रहा है किसी शिक्षक के सीखने के मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या करने चाहिए, कह रहा अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना, तो अपने आप में तुलना करना गलत हो जाएगा। कह रहा प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना, उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए, कृपया किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ नहीं का प्रश्न देना चाहिए, कृपया बच्चों की स्मरण शक्ति का पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा परखना चाहिए। तो आप जानते हैं क्या इसमें से राइट होगा, सी ऑप्शन अपने आप में गलत होगा, क्योंकि मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ नहीं, तो हाँ नहीं के लिए सिर्फ मूल्यांकन नहीं होता है, गलत होगा। डी कह रहा है कि स्मरण शक्ति का पेपर पेंसिल द्वारा परीक्षण पर परखना चाहिए, तो सिर्फ स्मरण शक्ति को हमारा टप कितना बच्चा मार पा रहा है, कि 10 पन्ना 20 पन्ना कितना मार रहा है, इसके लिए मूल्यांकन नहीं होता है। तो प्रत्येक क्लास में बच्चे बैठे हैं, कार्य का विश्लेषण करना, बच्चा किस तरीके से उस कार्य को अच्छे से कर रहा है, उसको विश्लेषित करने के लिए किया जाता है, साथ साथ उसके जो अवबोध है, समझ को में अंतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है, बच्चा समझ कितना रहा है, इसके लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको समझ में आया होगा ना दोस्त, जो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 23 का। 24 नंबर के लिए बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत उप परीक्षाओं के लिए संदर्भ में सही है, तो मानकीकृत परीक्षाओं की बात कर रहा है, या छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, वे मूल्यांकन के व मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचनाओं को आधारित हैं, कर वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, वे मानते हैं कि प्रत्येक भिन्न गति से सीखता है। तो आप बताएंगे जो मानकीकृत परीक्षण होता है वह क्यों किया जाता है, जो मानकीकृत परीक्षण होता है वह क्यों किया जाता है, तो आप जानते हैं जो मानकीकृत परीक्षण होता है वह सख्त ढांचे को अपनाता है। अब सख्त ढांचा कहाँ पर होगा, सो सख्त ढांचे या संरचनाओं पर आधारित होता है, इसलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन होगा, क्योंकि मानकीकृत एक तरीके से क्या है, एक स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, उसके लिए क्या होगा, सख्त ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है, एकदम आपका राइट आंसर होगा बी। तो कहीं ना कहीं अब सारी चिंतन सृजनात्मक चिंतन की बात है, जो सृजनात्मक बालक है उसके लिए बात किया जा रहा, तो वहाँ पर लचीला होता, यहाँ पर लचीला परीक्षण होता तो उसके लिए था, तो लेकिन हमें सिर्फ क्या पूछ रहा, मानकीकृत पूछ रहा था, मानकीकृत के लिए सख्त ढांचा ही होगा, बी ऑप्शन होगा। 25 नंबर के लिए करा कि एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है,
उनके कामों के नमूनों को संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी तैयार डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? क्रम मानक एवं स्वरूप, क्रम संकल्पनात्मक एवं व्यापक अध्यापक केंद्रित, क्रम की सतत एवं समग्र, क्रम मानक आधारित एवं संदर्भ युक्त। तो कारक इसमें से क्या राइट आंसर होगा? क्या आपको लगता है कि इसमें से 25 नंबर के लिए राइट आंसर होना चाहिए? बेहतरीन प्रश्न है और इसके लिए बताएंगे क्या इसमें से आपको लगता है कि राइट आंसर होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बताएंगे आप सभी क्या इसमें आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं दोस्त करा कि एक अध्यापक एक अध्यापिका कर रही पूरे वर्ष का करे पूरे वर्ष के दौरान अध्ययन संबंधित गतिविधियों में संलग्न बच्चों की बारीकी से अवलोकन करती है। मतलब जो बच्चे अवलोकन बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बारीकता से के साथ क्या कर रही है? एक अवलोकन कर रही है और कामों के नमूनों को संकलन करती है, मतलब इकट्ठा करें। तो कहीं ना कहीं सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है और डायरी भी बना रही है। इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन राइट होगा जी। नेक्स्ट प्रश्न पर 26 नंबर की, करा आकलन का उद्देश्य क्या है? क्या होता है असेसमेंट का उद्देश्य पूछ रहा है। करा कि भाई बच्चों को भयमुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। भाई भययुक्त परिवेश में भययुक्त तरीके से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। करा बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर और समस्यात्मक रूप से चिन्हित करना। कर अधिगम पर विश्वसनीय पुष्टि देना। करा क्लास में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित देना। तो आपको क्या लगता है कि 26 नंबर के लिए राइट आंसर होगा जी? प्रश्न बहुत बेहतरीन है और बताएंगे इसमें से क्या होगा। तो अगर अधिगम आकलन का उद्देश्य क्या होता है? आकलन का आपको उद्देश्य की बात करें, अगर आप भययुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, भाई डरावनी माहौल में आप करेंगे तो डरावनी माहौल में करेंगे तो जो बच्चा के पास गुण भी है, जो बच्चे के पास करने की क्षमता भी, वो भी खत्म हो जाएगी। चाहे हम हैं चाहे आप हैं, अगर माहौल डरवा कर चीज़ें कर दिया जाए तो जो आपके पास है भी, जो आपके पास जानकारी है, वो भी भूल जाएंगे। तो इसलिए आपका गलत होगा। अगर बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर और समस्यात्मक रूप से चिन्हित करना, तो आकलन का उद्देश्य नहीं होता कि भाई प्रखर बुद्धि वाला बच्चा क्या है उसकी पहचान कर लेना, जो मूढ़ बुद्धि वाला बच्चा है उसकी पहचान कर लेना, समान प्रकार का बच्चा है उसकी पहचान करना, इसका उद्देश्य नहीं है। तो यह भी नहीं होगा। करा कि अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, एकदम सही है कि विश्वसनीय प्रतिपुष्टि में आप कितना बेहतरीन सीखे हैं इसकी प्रतिपुष्टि देना, इसका फीडबैक देने के लिए क्या किया जाता है? मूल्यांकन होता है, कमियां होती हैं तो सुधारा भी जाता है। इसलिए दोस्त आपका क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 27 नंबर के लिए, करा दावा हो रहा है करा अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक तो आप बात जानते हैं कि विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए टीचर क्या कर ले मूल्यांकन कर रहा हो। क्रम मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा में पृथक करना है। सही विकल्प चुने, ए और आर दोनों सही, आर व्याख्या करता है एक ही, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, करें ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत है। तो आप बताएंगे इसके लिए क्या राइट आंसर होगा? बेहतरीन प्रश्न है, आप जानते हैं दोस्त, ध्यान देंगे। करा अध्यापक द्वारा आकलन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि जब टीचर क्या कर रहा हो आकलन कर रहा हो बच्चे का, तो आप भी मूल्यांकन कर रहा हो तो विभिन्न तरीकों से मूल्यांकन करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं दावा पूरी तरीके से राइट है लेकिन आप तर्क में क्या कर रहा? मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता भैया वह कर रहा कि अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष क्लास से क्या कर दे, अलग कर दे। तो आप जानते हैं जो अच्छा बेहतर कर रहा उसको क्लास से अलग नहीं करने के लिए किया जाता मूल्यांकन। मूल्यांकन जो कमियां है उसको सुधारने के लिए की जाती हैं। इसलिए आपका जो तर्क है वह तर्क गलत है और कथन सही है। इसलिए दोस्त आपका क्या राइट होगा? वह सी ऑप्शन राइट होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पर 28 नंबर के लिए, क्रम मूल्यांकन का क्या, मूल्यांकन को क्या सूचित करना, मतलब मूल्यांकन क्या सूचित करना चाहिए, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता, दूसरे की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, इसकी बात करें, उपयुक्त उपनाम जैसे मदबुद्धि, करें कुशल बुद्धि, करें कि बुद्धि कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी का उल्लेख। तो दोस्त तो इसके लिए बताएंगे क्या आपको राइट आंसर होगा। 28 में थोड़ा सा हमको लगता है कि क्वेश्चन में आगे पीछे हो गया है जी। तो सिर्फ यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप बात किया जाए तो यह जो आपका है बच्चा विद्यार्थी ए आपका क्या होगा, ये बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन ये है, ये सी ऑप्शन
ये आपका क्या होगा, ये सी ऑप्शन है क्या दोस्त, ये आपका यहाँ से सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन में ही है, या डी ऑप्शन अलग नहीं एक ही में है, तो बताएंगे आपका क्या राइट होगा। जी एकदम, इसमें बताएंगे क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा। जी आपका सी ऑप्शन ध्यान देंगे, या डी ऑप्शन उपयुक्त उपनाम जैसे मंदबुद्धि कुशल बुद्धि इत्यादि का विद्यार्थी का उल्लेख, ये डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन अपने आप में गलत है क्योंकि उपनाम तो देना ही नहीं है। ये ऑप्शन इसलिए गलत है कि विद्यार्थी क्या नहीं कर सकता इसका मूल्यांकन का मतलब नहीं है, या मूल्यांकन का पता कराना कि मूल्यांकन बच्चा क्या नहीं कर सकता इसका उद्देश्य नहीं है, इसको सूचित नहीं करता है। अगर दूसरे की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन, आप जानते हैं तुलना करना अपने आप में निगेटिव है, आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा। क्या होगा दोस्त, वह सी ऑप्शन कि विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका विस्तृत ब्यौरा के लिए मूल्यांकन सूचित किया जाता है। मूल्यांकन को क्या सूचित कर, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए, या सूचित करना चाहिए कि विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, विस्तृत ब्यौरा देने के लिए मूल्यांकन होता है, और इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 29 नंबर की चर्चा कर, मूल्यांकन पद्धति का क्या लक्ष्य होना चाहिए, मूल्यांकन पद्धति का क्या लक्ष्य होना चाहिए, कर विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, कर पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, या विद्यार्थियों को नामित करना, ये कर योग्यता आधारित मूल्य समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो आप बताएंगे जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन मेथड शुड एम टू, मतलब मूल्यांकन का जो बात करें, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य क्या होता है, विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना, इसके लिए होता है क्या होता है आप बताएंगे दोस्त, करा कि पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। आप जानते हैं इसके लिए पुरस्कार के लिए नहीं करते, जो अच्छा अंक पड़ा उसके लिए मूल्यांकन सिर्फ नहीं होता है कि पहचान करके उसे ही पुरस्कार दिया जाए, मूल्यांकन इसलिए होता है या गलत है। नामांकित करना अपने आप में गलत है क्योंकि समावेशी शिक्षा का हनन हो जाएगा, और साथ कर योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, कर योग्यता आधारित भाई योग्यता के आधार पर विभाजित करेंगे तो समावेशी का हनन होगा, विद्यार्थी की जरूरत और आवश्यकताओं की पहचान की जाती है मूल्यांकन पद्धति का या इस्तेमाल किया जाता है ये ऑप्शन, मतलब मूल्यांकन से क्या होता है बच्चे में क्या जरूरत है क्या आवश्यकता है उसकी पहचान के लिए मूल्यांकन किया जाता है, और इसीलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन राइट होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है ऐसा आपसे प्रश्न है। करें कि केवल संकल्पनात्मक आकलन, करें ना तो संरचनात्मक ना तो संकल्पनात्मक आकलन, करें विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना है, केवल संरचनात्मक आकलन। तो आपको क्या लगता है कि जो मूल्यांकन होता है जो कंटीन्यूअस और जो आपका समग्र होलिस्टिक इवेल्युएशन है, जो समग्र और कंटीन्यूअस मूल्यांकन है उसको क्या शामिल किस लिए किया जाता है, तो आप जानते हैं सिर्फ संकल्पनात्मक के लिए नहीं होता है, सिर्फ योगात्मक के लिए नहीं होता, संकल्पनात्मक मतलब योगात्मक इसके लिए नहीं होता है, कारण ना संकल्प संरचनात्मक ना करा रचनात्मक ना संकल्प, जो रचनात्मक है उसको बोलते क्या रचनात्मक भी बोला जाता है, इसे आप ध्यान देंगे इसे रचनात्मक भी बोला जाता है, ना रचनात्मक ना संकल्पनात्मक ना रचनात्मक ना योगात्मक, इसका मतलब दोनों के लिए तो होता है, दोनों के लिए मूल्यांकन किया, समग्र साथ साथ रचनात्मक और साथ साथ आपका रचनात्मक के साथ योगात्मक दोनों का मूल्यांकन करता है, सतत मूल्यांकन कर विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना एकदम बात सही है, सी ऑप्शन राइट होगा। डी में करा केवल संरचनात्मक, तो आप जानते हैं सी व संरचनात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए आपका दोस्त आपका सी ऑप्शन राइट होगा। तो इस तरीके से आप सभी के सामने 30 प्रश्न थे, किस चैप्टर से दोस्त बात किया जाए वह आकलन और मूल्यांकन की बात किया जाए, आकलन और मूल्यांकन चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के पेपर के लिहाज से बात किया जाए, तो इसे बहुत अच्छे से आप सभी रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पेपर के दौरान आपको बहुत सहायता करने वाला है, तो बेहतरीन तरीके से पढ़ें और बेहतर करने की कोशिश हमेशा से करते रहें दोस्त। नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें, और जैसा भी आपको सेशन लगा हो एक बार आप सेशन के बारे में जरूर बताएंगे कैसा आपको सेशन लगा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।